टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने जिम ट्रेनर शहनवाज शेख संग शादी कर सभी को हैरान किया। खैर, कपल ने लो प्रोफाइल रहते हुए कोर्ट मैरिज की। अब तक उनकी शादी को लेकर बस बना हुआ है। मुस्लिम शहनवाज संग शादी करने पर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है तो कोई देवोलीना को गोल्ड डिगर कह रहा है। अब शहनवाज और देवोलीना की शादी को लेकर एक नया दावा सामने आया है। सुनने में आया है कि कपल ने कोर्ट मैरिज का फैसला किया क्योंकि शहनवाज ने अपनी शादी पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। लोगों के इस दावे पर अब देवोलीना ने रिएक्ट किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में देवोलीना ने कहा, शहनवाज इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन वो अच्छे से सेटल्ड हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में शहनवाज का खुद का नाम है। अगर मैंने अपनी शादी ग्रैंड लेवल पर की होती या पैसों को फ्लॉन्ट किया होता तो ट्रोलर्स मुझे गोल्ड डिगर बुलाते। देवोलीना ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया ट्रोलिंग से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। वे और शहनवाज लोगों की बातों से ज्यादा अपनी जिंदगी, फ्यूचर और खुशियों पर फोकस कर रहे हैं। वे कहती हैं, मुझे लगता है अगर हम अच्छे हैं तो यूनिवर्स का आशीर्वाद हमारे साथ है। यह हमें आगे बढ़ने और साथ रहने में मदद करेगा। शहनवाज संग देवोलीना की शादी पर लोगों का कमेंट करना रुक ही नहीं रहा है। कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद से भी जोड़ दिया है। ट्रोलर्स ने देवोलीना से सवाल किया था कि उनके बच्चे मुस्लिम होंगे या हिंदू। इस सवाल पर भड़कते हुए देवोलीना ने यूजर को झाड़ लगाई थी। उन्होंने कहा था, मेरे बच्चे हिंदू होंगे या मुसलमान, आप कौन? आपको इतनी अगर बच्चों को लेकर चिंता हो रही है तो बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं।